हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज देखिए, हम ये बहुत छोटे से लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाएंगे। तो ये 0 से 1 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए मैंने ड्रेस बनाई, बहुत ही प्यारी है और आप ये बहुत ही कम समय में बना सकते हो। बहुत इजी है, इसे कोई बिगिनर भी बना सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जो करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, जिससे आपको ऐसी न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए, हम 0 से लेके 1 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे। उसके लिए हम देखिए, सबसे पहले ऐसे चेन लेनी है और चेन लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हम थर्ड वाले में जाएंगे और थर्ड में जाके हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनानी है। तो हमने लूप लिया, लूप लेके हमें ऐसे निकालना है। तो 1 डबल क्रोशिया, फिर जस्ट बगल में गए यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया। तो हर चेन में जाते हुए हमें 1 1 डबल क्रोशिया करके रो कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हमने देखिए रो कम्प्लीट कर लिया। वर्क को टर्न करके हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3। 3 चेन लेने के बाद जस्ट बगल में जाना है, यहाँ हम डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया 2 टाइम बनाएंगे। तो हर चेन में जाके हमें 2 2 टाइम डबल क्रोशिया करके रो कंप्लीट करनी है। केवल साइड में और इधर साइड में हमें 1 1 बनाना है। तो देखिए, हम हर चेन में जाएंगे, ऐसे देखिए चेन में जाना है, लूप लेना है, लूप लेके हमें 2 निकालना है, फिर 2 निकालना है, फिर उसी चेन में जाएंगे और फिर से हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो हर चेन में जाते हुए हमें 2 2 कर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर लास्ट में आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम लास्ट में आ गए। यहाँ पे भी हम 1 डबल क्रोशिया करके लास्ट ये सेकंड रो कंप्लीट करेंगे। इस तरह से 1 डबल क्रोशिया कर ली। अब वर्क को हम टर्न करेंगे, टर्न करके 1 चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे एंड 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद अब हमें आर्म होल करना है। तो हमने ये 3 चेन ले ली। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1। तो ये हमारी 2 काउंट होगी 3 चेन को लेके, 2 एंड 3। तो ये हमने 4 डबल क्रोशिया ये बना ली। अब हम 1 2 3 4 5 6 7 वाले में जाएंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4 5। तो हमने 5 बना ली और 5 बनाने के बाद अब हमें देखिए 1 स्किप करना है, 2 3 4 5 6 7 वाले में फिर से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो फिर से हम 4 टाइम डबल क्रोशिया करके रो कंप्लीट करेंगे। इस तरह से, तो इस तरह से हमने देखिए रो कंप्लीट कर लिया। तो ये मेरी छोटी सी प्यारी सी चोली कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे करके नॉट लगा के ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से ज्वाइन हो गया। अब हम साइड में पहले आएंगे। तो देखिए, ऐसे स्लिप स्टिच से हमें साइड में आना है। हम स्लिप स्टिच ये ऐसे करके हुक को डालना है और ऐसे करके निकाल लेना है। तो इस तरह से हम साइड में पहले आ जाते हैं आर्म होल के पास। इस तरह से साइड में आ गए, ठीक है। तो ये प्यारी सी छोटी सी चोली कंप्लीट हो गई। अब हमें इसमें दूसरा कलर हम ऐड करेंगे। अब देखिए, हमने ये डार्क मैरून लिया है और इसको हम यहाँ पे लेंगे और इस वाले से स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे। और ज्वाइन करने के बाद अब यहाँ पे हमें चेन में आना है। देखिए, चेन आपको दिख रही होगी, इस चेन में आना है। चेन में पहले हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन करने के बाद ये हमारा थ्रेड पीछे रहेगा और ये फिर बाद में हम सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें पफ बनाना है, ठीक है। तो हम पफ कैसे बनाएंगे, हम
पहले थ्री चेन ले लेंगे और लूप लेंगे, लूप लेके एक दो एंड थ्री, तीन लेने के बाद एक साथ निकाल देना है और एक बार लॉक कर देना है। तो इस ऐसे लॉक कर लिया। अब हम वन चेन लेंगे और वन चेन लेने के बाद फिर से हम जस्ट बगल वाली चेन में आएंगे और यहाँ लूप लेंगे वन टू थ्री, थ्री लेने के बाद एक साथ निकालना है और इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब हम टू चेन लेंगे वन एंड टू, एक बार वन चेन लेनी है मिड में, एक बार टू। अब हम जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ फिर से पफ बनाएंगे वन टू एंड थ्री, थ्री लेने के बाद इसको हम ज्वाइन कर देंगे। फिर वन चेन लेंगे और वन चेन लेने के बाद फिर जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ फिर से हम पफ बनाएंगे। तो लूप लिया, लूप लेके हमें यहाँ पे आना है वन टू थ्री, थ्री लेने के बाद ऐसे करके ज्वाइन करेंगे जी, इस तरह से ये ज्वाइन हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये पूरा रो कंप्लीट करना है, हर चेन में जा करके हमें पफ बनाना है। तो हमने यहाँ जैसे टू चेन लिया, अब फिर से हम वन चेन लेंगे और वन चेन लेने के बाद हमें यहाँ फिर से चेन में आएंगे और पफ बनाएंगे वन टू एंड थ्री, थ्री लेने के बाद देखिए हमें एक साथ निकालना है, यहाँ लॉक करना है, फिर से वन चेन लेना है, टू चेन लेना, टू चेन लेने के बाद फिर से हम चेन में आएंगे, यहाँ पे पफ बनाएंगे वन टू थ्री, इस तरह से ज्वाइन करके ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हम पूरा रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम लास्ट में आ गए हैं और यहाँ पे हम वन चेन लेंगे और टू चेन लेंगे, टू चेन लेने के बाद यहाँ पे हम थ्री चेन में ले जाके यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से ज्वाइन कर लिया। अब हमें यहाँ पे मिड में आना है, तो ऐसे करके हम पहले मिड में आ जाएंगे जहाँ हमने चेन बनाई थी। तो हमें जो टू हमने चेन बनाई है वहीं से स्टार्ट करना है। तो हम ऐसे करके पहले देखिए यहाँ पे ऐसे आ गए। अब यहाँ से हम पिंक, ये जो है पिंक, इसको उठाएंगे और यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से इसको लेंगे, देखिए यहाँ ज्वाइन नहीं करना है, इसको हमें ऐसे लेके ऐसे करके ज्वाइन कर देना। अब ज्वाइन करने के बाद हम पहले यहाँ थ्री चेन लेंगे और थ्री चेन लेने के बाद यहाँ पे हमें पफ बनाना है। तो हमें पफ ऐसे करके देखिए इसी होल में डालना है और पफ बनाना है। तो वन टू थ्री, थ्री ऐसे लेकर के एक साथ हमें निकालना है और लॉक कर देना है, फिर इसी में बनाएंगे वन टू थ्री, थ्री लेने के बाद फिर हम ऐसे करके निकालेंगे और लॉक कर देंगे। तो ये हमारी टू बन गई। अब चेन लेंगे वन टू एंड थ्री, थ्री लेने के बाद थ्री चेन ले लिया, फिर इसी होल में जाना है और यहाँ पफ बनाना है वन टू थ्री, थ्री लेके पफ बनाया और यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे, लॉक हो गया। अब फिर से इसी पफ में जाएंगे और यहाँ पे होल में जाना है, फिर से हमें पफ बनाना है टू एंड थ्री, इस तरह से एक ही जगह हमें फोर पफ बना के कंप्लीट करना है। ठीक है, अब हम वन चेन लेंगे और वन चेन लेने के बाद फिर से देखिए हमने एक जगह तो टू चेन बनाया और जस्ट बगल में वन चेन बनाया, तो जो टू चेन बनाया उसमें जाएंगे और फिर से हम पफ बनाने लगे वन टू थ्री, थ्री करने के बाद एक साथ हमें निकालना है और लॉक कर देना है। ठीक है, फिर इसी में जाएंगे वन टू थ्री, थ्री करने के बाद ऐसे करके हम लेंगे और इसको लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद वन चेन लेंगे, टू चेन लेंगे, थ्री चेन लेंगे, थ्री चेन लेने के बाद फिर से इसी में जाएंगे और यहाँ पे पफ बनाएंगे वन टू थ्री,
ऐसे करके ज्वाइन करेंगे, वन टू थ्री। इस तरह से हमें एक होल में फोर फोर करके रो कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हम ये पूरा रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हमें देखिए, हमने यहाँ पे बनाया, फिर एक गैप करना है हमें, यहाँ पे गैप कर लिया, यहाँ बनाया, फिर यहाँ गैप करेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सीधे हमें यहीं पे वन चेन लेना है और वन चेन लेकर सीधे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस वाले में नहीं बनाना है, जस्ट बगल में नहीं बनाएंगे, जहाँ वन चेन है, जहाँ टू चेन हमने लिए वहीं से हमें स्टार्ट करना है। तो इस तरह से हम पहले रो कम्प्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने कम्प्लीट कर लिया है। अब हम लास्ट में आएंगे और यहाँ पे थ्री चेन जो हमने बनाई थी इसी में ज्वाइन कर देंगे। अब यहीं से हमें यहाँ पे आना है, तो हम ये रेड वाला फिर से ये लेंगे, मैरून वाला, और यहाँ से इसको पिक कर लेंगे। और पिक करने के बाद यहाँ पे थ्री चेन लेंगे, टू एंड थ्री। थ्री चेन लेने के बाद यहाँ पे हमें पफ क्रोशिया बनानी है, थ्री। फिर से यहाँ पे आएंगे, वन टू थ्री। थ्री करने के बाद यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ पफ बनाएंगे, वन टू थ्री, और इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर यहाँ पफ बनाएंगे, वन टू थ्री। थ्री करने के बाद यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे। तो हमारे पास कितने हैं, वन पफ, टू पफ, थ्री पफ, फोर पफ। एक बार और बनाएंगे, तो यहाँ पे फिर से हम वन टू एंड थ्री। थ्री लेने के बाद यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे। अब यहीं से हमें पहले हम वन चेन लेंगे, और वन चेन लेने के बाद हमें यहाँ पे आना है इस वाले पे चेन में, जहाँ हमने ये चेन में आया दूसरा फ्लावर में आए, और यहाँ से फिर से हम पफ बनाएंगे, वन टू थ्री। करने के बाद इसको हमें पफ करके ज्वाइन कर देना है, फिर वन टू थ्री। इस तरह से, तो इस तरह से हम ये फाइव बार बना लेंगे। टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। थ्री करने के बाद एक साथ निकालेंगे, ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे। अब जस्ट हमें सीधे यहीं पे आना है, ये जो फ्लावर है इसके मिड में जो चेन है इसमें जाना है, और यहाँ से फिर से हम पफ बना लेंगे। ये हमने ये फाइव फाइव करके ये फ्लावर कंप्लीट किए, और यहाँ पे ले जाके हम इसको ज्वाइन कर देंगे। थ्री चेन में ले जाके ज्वाइन करेंगे, एक बार ऐसे करके करेंगे, और कट कर लेंगे। नॉट हो गया, अब इसको हम बैक में ले जाके नॉट लगा देंगे। तो इस तरह से ये प्यारी सी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अब इसका हम क्या बनाना आपको बताएंगे। तो देखिए, अब हम पग बनाएंगे लड्डू गोपाल की। तो ये ऐसे करके हम चेन लेंगे, ठीक है, और चेन लेने के बाद यहाँ पे हमें 16 चेन बना लेनी है। तो हम देखिए, ऐसे करके हम चेन बना लेते हैं 16, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, हमने इसमें 25 चेन बना ली है। अब हम इसमें हमने इस तरह से चेन बना ली है। अब लूप लेंगे और हम हर चेन में जाते हुए हमें इसको सिंगल क्रोशिया से कम्प्लीट करना है। तो हम हर चेन में ऐसे लूप लेंगे, लूप लेके हमें ये एक साथ निकालना है। तो इसे हम सिंगल क्रोशिया कहते हैं। चेन में जाएंगे, लूप लेंगे और
ऐसे करके निकाल लेंगे। फिर चेन में जाके लूप उठाना है और एक साथ निकाल देना है, इसको हम सिंगल क्रोशिया कहते हैं। ऐसे करके रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया स्ट्रिप। अब हम इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हम पिंक ऐड करेंगे और पिंक ऐड करके हम यहाँ पे इसको थ्रेड को खींच देंगे और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे फिर से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो हम ऐसे करके सिंगल क्रोशिया अब यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया फिर से बना रहे हैं पिंक से। तो ऐसे ही हमें दो रो और कंप्लीट करना है, हर चेन में जाना है और वन वन सिंगल क्रोशिया करके हम टू रो और कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब लड्डू गोपाल का हमें राउंड देखना है। आपके लड्डू गोपाल आप छोटे बना रहे हैं बड़े बना रहे हैं उस हिसाब से राउंड देख करके फिर हमें उसको अटैच करना रहेगा। तो देखिए ये ऐसे रखना है और हमें ये फोल्ड करना है और फोल्ड करके ये हमारा ये बैक में जाएगा। ये देखिए इस तरह से रखेंगे और ये बैक में दोनों। तो देखिए ऐसे करके दोनों पार्ट को हमें रखना है और यूँ फोल्ड करना है, फोल्ड करके बैक में दोनों को ले जाना है और दोनों को ले जाके अटैच करना है। तो पहले हम ये ऐसे रखते हुए यहाँ पे सामने अटैच करेंगे और फिर बैक ले जाते हैं वहाँ पे हम जैसे इसको अटैच कर लेंगे। तो सुई की हेल्प से करना है और ये मैंने वूलन सुई आती है निडल उसी से हम इसको सिल रहे हैं। आपको ईजिली मिल जाएगी जहाँ पे सिलाई का सामान मिलता है। तो ये देखिए इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए हमें बैक में भी अटैच कर लेना है। पूरा हमें सिल करके इसको रख लेना है जैसे हम वॉश भी करें तो हमारी पग निकले नहीं। तो ये देखिए बैक में ऐसे ले जाना है। अब देखिए बैक में लाते हुए हम इसको अटैच कर लेंगे। तो ये ऐसे रखना है और रखते हुए हमें यहाँ बैक में भी सिल लेना है। तो हम ये ऐसे करके दोनों पार्ट जो हम आगे से पीछे लाए हैं उसको रखते हुए हम इसको अटैच करके पूरा सिल लेंगे। तो ये पूरा हमें सिलाई करके इसको पूरा सेफ कर लेना है जिससे हम जब वॉश करें तो हमारा ये पग खुले नहीं। तो इस तरह से वो कहते हैं सिल लेंगे अटैच कर। तो देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गई है और बहुत प्यारी लग रही है ड्रेस लड्डू गोपाल के ऊपर। और आप जो भी बताइएगा आपको ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक जो करिएगा, कमेंट्स करके जो भी बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।